हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बायोडायवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडायवर्सिटी इज टिपिकली अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। बायोडायवर्सिटी को जैव विविधता कहा जाता है, मतलब इस अर्थ पर जितने भी जीव हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब क्या हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनमें जो वैरायटी होती है अलग अलग, उसी को हम बायोडायवर्सिटी का नाम दे रहे हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो अलग अलग तरह के हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई डिफ्रेंशिएशन होती है। इतने सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको अलग अलग तरह से स्टडी करने के लिए इनको क्लासिफाई किया गया है। अगर क्लासिफाई नहीं किया होता तो हम क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या होंगे, इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज, डिफ्रेंसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनकी सिमिलरिटीज़ या फिर उनके डिफरेंसेस के बेस पर अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम उनको पहचान सकें, सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं वो पता लगा सकें, इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया है। Major groups of animals and plants. Biologists such as Ernest Haeckel, Robert Whitaker and Carl Hues tried to classify all living organisms into various kingdoms. Ernest Haeckel, Robert Whitaker और Carl Hues साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने इन kingdoms को classify किया। These kingdoms have been made on the basis of cellular structure of living organism and their source of nutrition and structure organization. इसका मतलब है कि इनको classify किया गया, इनको अलग अलग kingdom में divide किया गया, तो वो किस base पे किया गया, इनको इनके structure के base पे या फिर जितने इनकी cellular types होते हैं कि multicellular है या unicellular है, उस type पे इनको classify किया गया। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कार्लस लीनियस जी ने दिया था। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इसमें उन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्टा के बारे में बताया। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट व्हिटकर ने दिया था, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई थे। इन्हीं के किंगडम को फाइव किंगडम कहा जाता है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल्स जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो रेस्पिरेशन करे, रिप्रोडक्शन करे, जिनमें ग्रोथ हो या फिर उनमें डाइजेशन की प्रोसेस हो, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा हो, इन सब को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिसेलुलर इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होती है और उसी सेल से वो न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब खाना खाते हैं, उसी सेल से उनमें डाइजेशन होता है, उनमें कोई भी और ऑर्गन्स नहीं होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसमें एक सेल होगी वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, अमीबा, पैरेन्काइमा, यीस्ट, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हो, वो तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। इसमें आते हैं हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। तो फाइव किंगडम्स कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांटी,
फंगी और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आते हैं? मोनेरा ग्रुप में आते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट फाइलम है वो है हमारा मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इंटू वेरियस सब ग्रुप्स लाइक फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। जो हमने क्लासिफाई किया इनको ग्रुप्स में, इनको भी अलग अलग फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली में कन्वर्ट किया गया है या डिवाइड किया गया है। फाइलम मतलब होता है ग्रुप या सब ग्रुप। फर्स्ट है मोनेरा। दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ना हो, मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गन्स ना हो जो मेम्ब्रेन से ढके हुए हो और उनमें न्यूक्लियस भी ना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटरोट्रॉफिक खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो प्लांट से ले सकते हैं, एनिमल से ले सकते हैं। द मैनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। और ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से करते हैं। इसमें कौन कौन आएंगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये एग्जाम्पल हैं मोनेरा किंगडम के, जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास प्रोटिस्टा। इट इज़ इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पहले वाला क्या था? प्रोकैरियोटिक। ये क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एल्गी, डाई एटम्स, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। और एल्गी कौन सी होगी? यूनिसेलुलर, मतलब जिसमें एक सेल हो। ये होता है प्रोटिस्टा ग्रुप। प्रोटिस्टा ग्रुप में हम एल्गी, कौन सी वाली? यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फंजाई। दीज आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस होगा, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे सेल्स होती हैं। दे आर हेटरोट्रॉफिक। ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनको न्यूट्रिशन के लिए, खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। सम फंजाई डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होती है। सच फंगी आर और नॉन एज पैरासाइट। और इस टाइप की जो फंजाई होती है उनको पैरासाइट कहा जाता है। सम स्पीसीज ऑफ फंजाई फॉर्म परमानेंट म्यूटलिस्टिक रिलेशनशिप विथ मेम्बर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो एल्गी के साथ मिलकर एक रिलेशन बना लेते हैं, जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस मतलब होता है सहजीवन, मतलब साथ में जीवन बिताना। ये एक दूसरे पर फूड और वाटर के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। एल्गी जो है वो फंजाई को फूड गिव कराता है, और जो फंजाई है वो एल्गी को वाटर देती है, और इसी सिम्बायोटिक रिलेशन से लाइकेंस बनते हैं। फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स नहीं होते हैं। फंजाई में कौन कौन से आते हैं? जैसे मशरूम है, मशरूम प्लांट्स नहीं होता है। ये है किंगडम ऑफ फंजाई। फंजाई में मशरूम, यीस्ट, एल्गीज, ये सब आती हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग आर कॉमन मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कौन कौन सी प्रोसेस से? फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से। और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यीस्ट, मशरूम। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब नए ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम है प्लांटी। प्लांटी में प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, मतलब उनमें न्यूक्लियस होगा, मल्टीसेलुलर होंगे,
बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होंगे, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे, और उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्लांट्स की बात कर रहे हैं। स्टडी अबाउट प्लांट्स इज नॉन एज बॉटनी। जब हम प्लांट्स की स्टडी कहते हैं तो वो साइंस की बॉटनी में आती है। तो यहाँ पे है, दे आर प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। द किंगडम प्लांटी हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिवीज़न। और इस ग्रुप को कई सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस एंड सीड्स हियरिंग कैपेसिटी। इनको अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया गया है कि कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कौन से सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इस तरह से इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस किंगडम में हम अलग अलग तरह के प्लांट्स, चाहे वो जिनमें बीज लगते हों या फिर जिनमें फूल आते हों, उन तरह के प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स क्लासिफिकेशन। प्लांट्स को दो तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट है क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आएंगे। क्रिप्टोगेमस कौन से प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स दैट डू नॉट हैव सीड्स, जिनमें ना तो बीज हो और ना ही फ्लावर्स हो, उनको हम क्रिप्टोगेमस प्लांट्स कहते हैं, और इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इंक्लूड होते हैं। सेकंड है फेरेनोगेमस या फिर स्पर्मेटोफाइटा। इस तरह के किंगडम में आते हैं कौन से प्लांट्स? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट, और इस तरह के प्लांट्स के ग्रुप में सीड्स भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं। तो फर्स्ट है थैलोफाइटा। इन प्लांट्स ऑफ दिस डिवीज़न द प्लांट्स बॉडी इज डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनमें ना तो रूट्स होती है, ना स्टेम होती है, और ना ही लीव्स का पता लगा सकते हो कि कहाँ इसकी जड़ें जा रही है, कहाँ इसका तना है। सच प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड थैलस। और इस टाइप के प्लांट की बॉडी को थैलस नाम दिया जाता है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम रखा है थैलोफाइटा। सीड्स एंड फ्लावर्स आर एब्सेंट इन दिस फाइलम। और इस फाइलम में सीड्स मतलब बीज और फ्लावर्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ और वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोयम, ये भी इसमें पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एल्गी, वॉल्वॉक्स और चारा। जाइलम ऐसी डक्ट या ऐसी नली होती है जो प्लांट्स की रूट से पानी को प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो, वहाँ तक वाटर को पहुँचाती है। और फ्लोयम ऐसी डक्ट या नली होती है जो खाना बनता है, कहाँ पर बनता है खाना प्लांट्स का? लीफ पर, पत्तियों पर बनता है। तो वहाँ से जड़ों तक लेकर जाती है खाने को, उसको हम बोलते हैं फ्लोयम। और इसमें दोनों ही जाइलम और फ्लोयम नहीं पाए जाते हैं। थैलोफाइटा में कौन कौन आते हैं? एल्गीज आती है। एल्गीज बहुत सारे टाइप की होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लैक एल्गी। जो मतलब एल्गी क्या होती है? काई होती है ना, जो कौन से एरिया में होती है? एक्वेटिक, चाहे वो मैरीन वाटर हो मतलब समुद्र का पानी हो, या सिंपल वाटर हो, उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, उसको हम बोलते हैं एल्गी। नेक्स्ट फाइलम है ब्रायोफाइटा। द प्लांट ऑफ दिस डिवीज़न आर नॉन एज एम्फीबियंस। इनको प्लांट्स के एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। द प्लांट्स ऑफ दिस डिवीज़न आर नॉन एज एम्फीबियंस इन द प्लांट वर्ल्ड बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वाटर। उन्हें एक्सटर्नल वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। इनमें आप क्लासीफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी रूट्स है, कौन सी स्टेम है या फिर कौन सी लीव्स हैं। रेदर दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती, मतलब प्रॉपर तरीके से रूट्स नहीं होती, लेकिन रूट्स जैसी स्ट्रक्चर होती है जिनको राइजोइड्स कहा जाता है। दीज आर ऑटोट्रॉफिक। ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं।
Bryophyta includes liverworts and mosses. और इसके example क्या हो जाएंगे, liverworts and mosses. Liverworts और mosses क्या होते हैं? Liverworts plants में liver जैसी structure होती है और इनके example होते हैं Marchenia. ठीक है, mosses क्या होते हैं, इनमें capsule like structure होती है. Mosses के example हो जाएगा Funaria. तो ब्रायोफाइटा में थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, वैस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. और ये कौन से टाइप के न्यूट्रिशन हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे. और इनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होते हैं, इनमें रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम राइजोट्स कहते हैं या फॉल्स रूट्स कहते हैं. ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लिवरवुड्स प्लांट्स और मॉसेस में. लिवरवुड प्लांट्स लिवर जैसे स्ट्रक्चर वाले और मॉसेस होंगे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर वाले. नेक्स्ट फाइलम है टेरिडोफाइटा. द प्लांट बॉडी ऑफ दिस प्लांट डिवीजन इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स. इनमें ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती है और लीव्स होती है. These plants have vascular tissues, xylem and phloem for transportation of water and other substance like food. और इनमें vascular tissues के रूप में xylem और phloem पाए जाते हैं जो water और food का transportation करते हैं. Generally they are found in moist places. और ये moist places में ज़्यादा पाए जाते हैं. Example हो जाएंगे ferns. ये example हो जाएंगे pteridophytas. इसमें फर्न्स आते हैं जो एक ऑर्नामेंट प्लांट होता है, मतलब सजावटी पौधे जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा ग्रुप में आते हैं. और ये कहाँ पाए जाते हैं, मोइस्ट प्लेसेस, मतलब सैंडी एरिया, कूल एरिया और डैम्प एरिया में ये पाए जाते हैं. इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. फिफ्थ फाइलम है जिम्नोस्पर्म. जिम्नो मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा मतलब होता है सीड, मतलब ऐसे बीज जो कवर्ड ना हो. जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स और सीड आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी. सीड क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं जो कवर नहीं होते हैं ओवरी द्वारा. तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म. देयरफोर सीड्स रिमेन नेक्ड और अनकवर्ड. इनके सीड्स अनकवर्ड रहते हैं बिफोर और इवन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी और पहले भी. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है. ड्यू टू दिस रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेक्ड सीड प्लांट. इसलिए उनको नेक्ड सीड प्लांट कहा जाता है. जिम्नोस्पर्म आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ मीडियम साइज और टॉल ट्रीज और बुशेज. और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो मीडियम साइज के पौधे हो सकते हैं या फिर लंबे लंबे पेड़ हो सकते हैं. और ये झाड़ियों के रूप में भी पाए जाते हैं. दे हैव टैप रूट सिस्टम. और इनमें टैप रूट सिस्टम होता है. इनको जेरोफिटिक प्लांट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है. इनमें रूट्स, लीव्स, स्टेम सब प्रेजेंट होते हैं. जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पॉर्स एंड बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड एग्स. और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एवरग्रीन प्लांट्स, वुडी प्लांट्स और कैक्टस. नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म. एंजियो मतलब होता है वेसल्स और कवर्ड. स्पर्मा मतलब होता है सीड. ये सीड बियरिंग प्लांट्स और फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं. और इनमें जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, मतलब पूरे कवर रहते हैं. एंजियोस्पर्म प्लांट्स इन विच सीड्स आर कवर्ड और एनक्लोज बाय द फ्रूट्स. इट मीन्स दैट द सीड डेवलप्ड इनसाइड द ओवरी. और सीड्स ओवरी में डेवलप्ड हुए होते हैं विच लेटर ऑन टर्न इनटू अ फ्रूट्स. और ये बाद में जाकर फ्रूट्स बन जाते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. और इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है. एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट में. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. डाइकॉट क्या होते हैं, ए सीड विच इज ब्रोकन इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ऐसा बीज जिनको हम तोड़ेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. जैसे मैंगो, मैंगो की जो गुठली होती है उसको तोड़ने पर वो दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी. ग्राम मतलब चना, चने को हम तोड़ते हैं तो उसके दो पार्ट्स एकदम इक्वल टूट जाते हैं. नट, एलमंड, बादाम, पल्सेज जो दालें होती हैं
वो सब डाइकोट होती है, क्योंकि उनके वो क्या है, बीज तो है, तो उनको तोड़ने पर इक्वल पार्ट्स में वो टूट जाती हैं। मोनोकोट, मोनोकोट क्या होते हैं, अ सीड विच इज़ नॉट ब्रोकन इंटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे सीड्स जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, केवल एक ही सीड हो, वो होंगे मोनोकोट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे राइस, वीट, गेहूँ और चावल जो होते हैं वो मोनोकोट में आते हैं, उनको तोड़ने पर वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, मतलब उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर हमें शो नहीं होती है कि हाँ ये इनकी स्ट्रक्चर इक्वल है। जिम्नोस्पर्म में सीड कवर नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म में सीड फ्रूट से कवर हो जाते हैं, या फिर वो बड़े होकर किस में हो जाते हैं, फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे टोमेटो, एप्पल, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एंजियोस्पर्म के। मैंगो, बैम्बू ट्री, दहीला, रोज़, ये सब एग्जाम्पल होते हैं एंजियोस्पर्म के। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एनिमिलिया मतलब एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने पढ़ा प्लांट्स किंगडम के बारे में, फंजाई के बारे में, एल्गीज के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, और मोनेरा ग्रुप के बारे में पढ़ा जिसमें बैक्टीरिया आ रहे थे, और हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज का यहीं तक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।